बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी एके टीवी से हाज़िर हूँ और नाजरीन, बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ, बल्कि अच्छी अच्छी बातें आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। अगर हम जायचा फुल मून और इसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ स्क्रीन पर, इस वक्त आप 2 सितम्बर 2020 इस्लामाबाद का सुबह 10:22 का जायचा अगर आप देखें तो ये जायचा फुल मून का जायचा है। नाज़रीन, आसमानी कौंसल पर सितारों की नहायत उम्दा नशस्त, अंदरून मुल्क खुशगवार तब्दीलियों का इशारा है। तीसरे मुश्तरी 12 साल बाद अपने घर में और इसके हमरा केतु जोहल चौथे 27 साल बाद अपने घर में मौजूद हैं। और इसके साथ अगर मरीख को देखा जाए तो मरीख 7वें घर में 18 माह बाद अपने ही घर में मौजूद, 11वें सालाना चक्कर में अपने घर नीज ताले का हाकिम सयारा जोहरा बैतुल इज़्ज़त के घर से अंदरून मुल्क गुज़श्ता कई माह के लॉकडाउन के बाद अवामी सियासी मजहबी तकरीबात बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि ना सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री भी बतदरीज बहाल होकर रौनकों में इजाफा हो सकेगा। सियारा शम्स 11वें घर में पार्लियामेंट की मुस्बत सरगर्मियों को उभारता हुआ दिखाई देता है कि अपोजिशन मुल्की यकजहती के बाद इश्यूज़ पर हकूमत का साथ देगी। जोहल ताले चौथे छठे 10वें घरों के मनसूबात को उभारेगा। अंदरून मुल्क सियासी रंग ढंग बदलने शुरू हो जाएंगे। सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन इदारों में अहम तकरीरियाँ और तबादले, सूबों मरकज़ के माबैन वसाइल की तकसीम में सौतेलापन, सियासी बेचैनी बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता सियारा मुश्तरी 3रे, 7वें, 9वें और 11वें घरों को साध नाजर होने से रेलवे ट्रैफिक के अंदरून मुल्क तहफ़ुज़ात के साथ मुकम्मल बहाली, पोस्टल सर्विसेज और दीगर मवासलाती इदारों के कारकुनों की तनख्वाहों और मराहत का ख्याल रखते हुए इनकी वेलफेयर का भी ख्याल रखने के लिए सिफारिशात की जाएंगी। 12वें नहस घर का फेली मनहूस सियारा अतारत 11वें पार्लियामेंट के घर आने से दोहरी शहरियत की हामिल शख्सियात मुशीरान की ततहीर होगी। जारी मुश्किलात से निकालने के लिए अस्करी इदारों का मुस्बत किरदार इस दौरान दिखाई देता है। मौसमी खराबी हालात से निपटने के लिए हकूमत वक्त की जो सर्विसेज हैं, इदारों की खदमात जो हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। अंदरून मुल्क सरहदों पर नागहानी ऐसे वाक़यात जो अवामुल नास में 1965 या 1971 की तरह का जज्बा दिफा भी उजागर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तमाम सियारों की पोजीशन सितंबर के महीने में, ख़ास तौर पे 4 सितंबर से लेकर 24 सितंबर का जो अरसा है, इसमें हकूमत और अपोजिशन एक पेज के ऊपर आती हुई दिखाई देती है और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए इकदाम करते हुए और अहम फ़ैसले वज़ीर आज़म की जानिब से भी हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।